हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट बूस्टर क्लासेस। बेटा, हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीट से रिलेटेड आज हम आपके लिए सेकेंड लेक्चर को लेके आए हुए हैं। तो हम बेटा आशा करेंगे कि आप लोग हमारे जो भी लेक्चर अपलोड हुए हैं या हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया गया था, तो उस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और उसको भरपूर आनंद उठा रहे होंगे कि क्या क्या कंटेंट उसमें आपको मिल रहा है। तो आज हम आपके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं, और इस सेकेंड लेक्चर में देखिएगा आप लोग, सेकेंड लेक्चर में हम आपके लिए स्पेशल एक डिसीज के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसका नाम है एसटीडी। हम लोग एसटीडी से पहले अगर बात करेंगे तो काफ़ी कंटेंट आपको बताया था मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी थी, क्या इसके बाद मैंने क्या पॉपुलेशन का डाटा बताया था, और देन वहाँ मैंने आपको बर्थ कंट्रोल मेथड एंड MTP है ना, और आपका इनफर्टिलिटी, तमाम जो भी कंसेप्ट आते हैं, जो भी चैप्टर की समरी थी, सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपको वहाँ बताए थे फर्स्ट लेक्चर में। और यदि आप अगर कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज पर नीट आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके हमारे उस पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है, लगभग 1 आवर्स से भी हो सकता है कि 1 आवर्स के समथिंग टाइम टाइम ड्यूरेशन की वीडियो है। तो काफ़ी कंटेंट उसमें, लगभग 80% कंटेंट उसमें आपको प्रोवाइड करा दिया गया था। तो ये वीडियो हम आपको ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ओनली फॉर हम एसटीडी की बात करते हैं, तो एसटीडी के लिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसमें बेटा हम लोग देखेंगे, बेटा ये बात करते हैं जब भी हम लोग एसटीडी, तो हाँ, तो मैंने ये कहा बेटा, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा एसटीडी, या फिर इसको लिखा है RTI, या फिर PID, या फिर BD। देखो कुछ लोग ये कहते हैं एसटीडी, एसटीडी क्या होता है हम जानते हैं इसको, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज, या तो इसको सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज कह सकते हैं, या इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। आप ऐसा नहीं समझना RTI समझ लो, कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन समझ लो, गलत हो जाएगा, वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड है, ये डिसीज से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं PID, PID बेटा बात करेंगे तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, जो हमारे बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं पेल्विक कैविटी, तो पेल्विक से रिलेटेड, अगर पेल्विक रीजन में कहीं पर इन्फ्लामेशन आता है तो उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। आगे बेटा हम बात करते हैं, आपका लिखा हुआ है VD। अगर यहाँ आपसे कहा जाए कि STD वर्ड ये बेटा जो दे रखा है, तो यही वर्ड सफिशियंट था भाई, इस वर्ड की क्यों नहीं डाई VD। अरे भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेक्सुअलिटी वर्ड जैसे ही आता है लोगों के माइंड में अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए पेशेंट, एज ए डॉक्टर, तो जो वर्ड सबसे कहीं ना कहीं मोर करेक्ट वर्ड, जो सबसे अच्छा वर्ड यूज करने योग्य है, उसको हम लोग वेनेरियल डिसीज के नाम से जानते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज विच पास, बेटा इसकी बात करते हैं कि जो STD डिसीज होता है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेंगे कि जो सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर में ये ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है। और ये जो आपका डिसीज होता है, यहाँ पहले इसको थोड़ा हम डिटेल में अगर चाहेंगे बेटा, तो इसको थोड़ा हम देख जरूर लेंगे बेटा। और यहाँ हम बात करते हैं, देखिएगा आप लोग, यहाँ हम एक ट्रिक बेटा लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ हमने एक ट्रिक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग देखना चाहेंगे बेटा, तो हम लोग देखेंगे, देखो हमने वर्ड यूज किया बेटा हाँ देखिएगा, हमने एक ट्रिक आपको बताई, बिपाशा इज चार्मिंग, बिपाशा इज चार्मिंग कॉन्फिगेंट गॉर्गियस सक्सेसफुली। नेक्स्ट बेटा हम आपको ट्रिक बताएंगे, इधर देखिएगा, वरुण इज हेल्दी वेल्दी हैंडसम हंक।
और यही बेटा एक लाइन और हम बताएंगे बेटा, प्रियंका इज टैलेंटेड। पॉइंट को आप समझिएगा, देखो हमने आपसे ये कहा बेटा जो एसटीडी डिसीज होते हैं, पॉइंट समझिएगा, जो एसटीडी डिसीज बेटा होते हैं, तो एसटीडी डिसीज की अगर हम बात करते हैं तो एसटीडी आपके जो डिसीज बेटा होते हैं ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है। किसके थ्रू? ये बैक्टीरिया के थ्रू हो सकते हैं, ये देन वायरस के थ्रू हो सकते हैं, ये आपका प्रोटोजोआ के द्वारा हो सकते हैं, प्रोटोजोआ। तो यहां बेटा ये लिखा, ये वर्ड यूज किया बी बिपाशा, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले एसटीडी है। ये वायरस लिखा हुआ है तो ये वरुण वर्ड यूज किया है, ये वायरस के द्वारा होने वाले एसटीडी है। ये प्रोटोजोआ लिखा हुआ है, ये लिखा प्रियंका, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले डिसीज है। तो एसटीडी जो डिसीज आपके होते हैं, ये बैक्टीरिया वायरस और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले जो डिसीज होते हैं, इनमें बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से डिसीज आपको होते हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ बेटा वर्ड जो लिखा हुआ है सी, सी फॉर होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस, एक क्लेमाइडियसिस बेटा एक डिसीज होता है। और यहां हम सी की बात करते हैं, इसे कहते हैं कैनक्रॉइड, ये कैनक्रॉइड वर्ड यूज करते हैं। और आपका लिखा है गॉर्गियस, गॉर्गियस फॉर आपका आ जाएगा गोनोहोरिया। और आपका जो सक्सेसफुली लिखा है इसका मीन्स मैंने लिख दिया बेटा सिफिलिस। और आप जब यहां आ जाएंगे वरुण, तो वी से वायरस और आप एस से आ जाएंगे तो इसे बोलेंगे हेपेटाइटिस। और आपका वर्ट से बोलेंगे तो जेनाइटल वर्ट, जेनाइटल वर्ट। और यहां बेटा बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एचआईवी एंड हर्पीस, हर्पीस। और जब इसकी बात करते हैं प्रियंका, पी फॉर प्रोटोजोआ और लिखा टैलेंटेड, टी फॉर होता है आपका जिसे बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। तो ये आप पॉइंट समझेंगे बेटा कि जो सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड जो डिसीज आपका होता है, जब इस डिसीज की बात करते हैं अगर हम, तो सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है, वायरस के थ्रू हो सकता है, प्रोटोजोआ के थ्रू हो सकता है। जो एसटीडी डिसीज जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं वो आपके क्लेमाइडियोसिस है, देन कैनक्रॉइड है, आपका हम कह सकते हैं गोनोरिया है, और बेटा आपका यहाँ लिखा हुआ है सिफिलिस। वायरस के द्वारा जो डिसीज होते हैं वो आपका हेपेटाइटिस है, जेनाइटल वॉर्ट्स है, एचआईवी है, हर्पीस है। और जब प्रोटोजोआ की बात आती है बेटा तो वहां ट्राइकोमोनियासिस की बात करते हैं। तो ये ट्रिक आपको बताई, इसको आप जो है देख लेंगे और आगे इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिएगा बेटा, एक हमने पॉइंट्स वर्ड यूज किया था, देखिएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच पास फ्रॉम वन पार्टनर टू एनोदर पार्टनर या थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। बेटा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है वो आपका लिखा है या तो वो वेजाइनल के थ्रू हो सकता है, या तो वो आपका रेक्टल के थ्रू हो सकता है, या तो वो ओरल के थ्रू हो सकता है, रेक्टल, या आप एनल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखा, ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, या इसी को बेटा हम लोग वेनेरियल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। जब हम आगे बेटा आगे हम बात करेंगे तो आप आगे देखिएगा इसको। हाँ देखो लिखा बेटा अर्ली डिटेक्शन इज द लेस कॉमन ड्यू टू द, मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से अगर इसको इसके जैसे अर्ली सिम्टम आते हैं, इसके अर्ली सिम्टम आते हैं तभी इसको डिटेक्ट किया जाए और इसका ट्रीटमेंट लिया जाए, इसका क्योर लिया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। बट क्या स्टार्टिंग में कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि हम उनको जानकारी में नहीं ला सकते हैं, उसी को बेटा लिखा हुआ है कि अर्ली डिटेक्शन इज लेस कॉमन। स्टार्टिंग में अगर देखते हैं तो वो सिम्टम नजर नहीं आते, बट वो सिम्टम अर्ली स्टार्टिंग में नजर आते हैं। देखो अर्ली सिम्टम आर वैग्यू, मतलब स्टार्टिंग में जो एसटीडी के जो सिम्टम होते हैं बेटा वो स्पष्ट नहीं होते, अस्पष्ट होते हैं। हेजिटेशन टू अप्रोच द डॉक्टर, हम भाई डॉक्टर को बताने के लिए घबराते हैं, है ना, या कहीं ना कहीं डॉक्टर को बताना एक उचित नहीं समझते हैं। भाई अगर पेशेंट को अपनी डिसीज को अगर छुपाएगा तो कहीं ना कहीं वो कैसे आगे जाके उससे मुक्ति पा सकता है।
लिखा अर्ली सिम्टम, क्या क्या सिम्टम आते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में सिम्टम की बात करते हैं बेटा, तो हम इचिंग की बात करेंगे भाई, खुजली, इचिंग। इचिंग की जब भी बात करेंगे, जैसे कि आपने सपोज दैट फंगल इन्फेक्शन हुआ या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है। यह लिखा हुआ फ्रॉथी डिस्चार्ज, वेजाइना से हो सकता है कि फ्रॉथी डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइटली हल्का पेन हो सकता है। देन क्या लिखा बेटा कि जो रिप्रोडक्टिव एरिया वहां पर स्वेलिंग आ सकती है और हायर इंसिडेंस बाई 15 to आपका क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ जो लिखा है थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा देखो मैं कर लेगा हूँ, ये देखो कर लिया। तो 15 से 24 साल 15 to 24 ईयर के जो भी जो यंग होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा ये एसटीडी आपका देखा जाता है। आगे देखते हैं बेटा, आगे आपका लिखा है लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसीज। जब हम लेट की बात करते हैं तो इसे हम लोग पीआईडी का नाम दिया जाता है। इनफर्टिलिटी की बात करते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका मीन समझ लो बेटा, अक्सर नहीं 100% जो हम बात करते हैं जो प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन होता है, जो इम्प्लांटेशन वर्ड यूज करते बेटा, कहने का मीन्स क्या होता है कि जो जैसे कि आपका स्पर्म ओम फर्टिलाइज एंड देन जायगोट, जायगोट माइटोटिक डिवीजन, जो स्ट्रक्चर आपका एंडोमीट्रियम की दीवार पर जो इम्प्लांट होता है, जो डेसिडुआ फॉर्म करता है, वो एंडोमीट्रियम की दीवार पर इम्प्लांट न होकर, कहने का मतलब वो यूट्रस में इम्प्लांट न होकर और किसी और दूसरी जगह अगर इम्प्लांट हो जाता है तो इस वर्ड को कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मिसकैरेज एबॉर्शन, अगर कहीं सडनली एबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल्ट बर्थ, बेबी मरा हुआ बेबी बात कर सकते हैं या स्टिल्ट बर्थ। कैंसर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कैंसर की जब भी बात आती बेटा तो फीमेल्स के अंदर जो मोर कॉमन कैंसर होते हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। देन आपका एक और होता है बेटा सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स कैंसर की बात करते हैं तो ये कार्सिनोमा के थ्रू होता है, कार्सिनोमा वायरस के थ्रू होता है ये। तो ये चीजें आप जो है इनको याद रखना पड़ेगा बेटा। आगे लिखा है, अब हम बात करते हैं कि एसटीडी जो आपका है बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ, एसटीडी जो डिसीज है ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये वायरस के थ्रू होता है, ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। तो ये बैक्टीरियल हम डिसऑर्डर की बात करते हैं जो आपका एसटीडी है। यहाँ आप देखेंगे बेटा सबसे फर्स्ट डिसीज का नाम है क्लेमाइडियोसिस, क्लेमाइडियोसिस जो आपका डिसीज है, ये डिसीज अगर इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट बेटा होता है, देखिएगा कॉजेटिव एजेंट का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, कॉजेटिव एजेंट जो इसका होता है वो आपका क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, बच्चे समझिएगा आप लोग, इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्या होता है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर पाए जाने वाला ऑब्लिगेट पैरासाइट है और इफेक्टिव ऑर्गन मेल। ये देखो मेल में क्या प्रॉब्लम करता है, मेल में ये यूरेथ्राइटिस करता है, यूरेथ्रा को प्रभावित करता है और मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स, देन सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड एंड एपिडिडाइमिस, इनको भी प्रभावित करता है। फीमेल की बात करते हैं, ये सर्विक्स वेजाइना से मिल्की डिस्चार्ज कराता है। और ट्रीटमेंट की बात आती है, ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, पर ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन एंड मेटाडॉक्सीसाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक दी जाती है क्लेमाइडिया के डिसीज के दौरान। और मैं आपको बता दूं कि जो क्लेमाइडिया आपका होता है ये सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन भी है, ये इस बात को भी आपको याद रखना है। जो सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है बेटा वो क्लेमाइडियासिस भी आपका उसमें कंसिडर किया जाता है। आगे देखें बेटा, अब बात करते हैं डिसीज का नाम है गोनोरिया, गोनोरिया की जब बात करते हैं तो गोनोरिया जो डिसीज है आपका, इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम है निशेरी गोनेरी। मेल में आपका यूरेथ्रा प्रभावित होता है और फीमेल में वजाइना या सर्विक्स की बात करते हैं। और लिखा है इफ नॉट ट्रीटेड, यदि आप इसको ट्रीट नहीं करते बेटा तो प्रोस्टेट एंड यूट्रस देन फेलोपियन ट्यूब एंड फीमेल, ये भी प्रभावित हो जाते हैं। और अगर बात करते हैं ऑल्सो बेबी ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द थ्रू द बेबी ब्लाइंड, पॉइंट समझिएगा, दो डिसीज है, एक क्लेमाइडियोसिस डिसीज है, कौन सा, एक क्लेमाइडियोसिस डिसीज है और एक आपका जो मैंने ये आपको जो नजर आ रहा है बेटा स्लाइड में, इसे गोनोरिया कहते हैं। ये दो ऐसे डिसीज है बेटा, ये जब बेबी की डिलीवरी होती है उसी टाइम पर जब बेबी माँ के वेजाइना, यूट्रस का नैरो पार्ट सर्विक्स और वेजाइना दोनों को
अब मिला के हम लोग कंप्लीट पार्ट को बर्थ कैनाल बोलते हैं। जब बेबी एक बर्थ कैनाल के थ्रू जब गुजरता है, जब बर्थ कैनाल के थ्रू गुजरेगा बेटा, तो कहीं ना कहीं वो बेबी की जो आईज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उन म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बेटा बर्थ कैनाल के थ्रू जब गुजरता है तो प्रभावित हो जाते हैं, जिससे बेबी ब्लाइंड कॉज हो जाता है। जबकि ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सेफ्रोक्सिन एंड बेटा एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन इत्यादि, हम इनका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आगे देखो, इसके बाद आगे लिखा बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं कैनक्रोइड। बेटा कैनक्रोइड भी आपका एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, क्लेमाइडिया बैक्टीरिया के थ्रू और आपका गोनेरिया बैक्टीरिया के थ्रू, देन कैनक्रोइड भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं तो पॉजिटिव एजेंट बेटा हीमोफिलस ड्यूक्रियाई होता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जब भी बेटा हम आपको किंगडम मोनेरा के बारे में या फिर आपको माइक्रोलॉजी पढ़ाएंगे तो वह बैक्टीरियाओं का डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया जनरली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें से अगर उनकी सेल वॉल की थिकनिंग के बेस पर देखा जाता है तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव भी होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा, ये क्या सिम्टम क्या रिलीज करते हैं, सॉफ्ट पेनफुल अल्सर एंड नेक्रोटिक बेस कंडीशन मिलती है, ब्लीड्स ऑन टच, टच करने पर ये ब्लीड्स, और पेनिस इन मेल एंड फीमेल की बात करते हैं तो बल्वा एंड वेजाइना इन फीमेल, तो मेल में ये पेनिस को अफेक्ट करता है और फीमेल में ये बेटा लिखा हुआ है कि फीमेल में बेटा ये वल्वा रीजन बोला जाए, और या फिर इसे क्या बोला जाए, वल्वा रीजन बोला जाए, या इसको ओडेंडम वर्ड यूज किया जाए, तो ये वर्ड फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रीटमेंट आप देखो सेफ्रोक्सिन और एजिथ्रोमाइसिन, इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आगे हम लोग देख, ये बात और मैं आपको बता दूं, अगर बैक्टीरिया द्वारा होने वाला कोई डिसीज है तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी यूज कर सकते हैं, एंटीवायरल यूज नहीं करेंगे। जब वायरस के द्वारा कोई डिसीज की बात करेंगे तो वहां पर एंटीवायरल का मेडिसिन का यूज करेंगे। अब देखेंगे सिफिलिस, बेटा सिफिलिस जो आपका होता है ये भी सिफिलिस भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम बेटा ट्रेपोनीमा पैलिडम होता है, और ये बेटा सिफिलिस डिफरेंट टाइप्स की होती है। भाई डिफरेंट टाइप्स का मीन्स ये होता है कि ये कब किस स्टेज पर पहुंचता है, तो स्टार्टिंग की बात करते हैं प्राइमरी सिफिलिस, देन सेकेंडरी और इसके बाद टर्शियरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस जब बेटा आपका होता है तो ये क्या करता है, कुछ ऐसे सिम्टम रिलीज करता है, और सेकेंडरी सिफिलिस में क्या करता है, ये मसल्स में फटीग एंड जॉइंट में पेन करता है, देन फीवर भी आ जाता है। और टर्शियरी सिफिलिस की बात करेंगे तो इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ तक कि भी टर्शियरी सिफिलिस की बात करते हैं तो ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इन चीजों को आप बेटा समझेंगे। ट्रीटमेंट में आपका लिखा है पेंसिलिन, थोड़ा पेंसिलिन के बारे में आपको बता दूं, पेंसिलिन बेटा एक इस प्रकार पेंसिलिन बायोलॉजिकल वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक औषधि है, जो डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये जो पेंसिलिन है बेटा ये पेंसिलिन नोडिटम फंगस से इसको ड्राइव किया गया था, बट आर्टिफिशियली इसको हम किसी दूसरे रिसोर्सेज से हम लोग इसको निकालते, और उस जो दूसरा रिसोर्सेज बता रहा हूँ उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है, ठीक है ना, और नहीं तो फिर आगे जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा तो आपको मिल जाएगा ह्यूमन हेल्थ डिसीज वाले। तो आगे देखते हैं, आगे आपका लिखा है वायरल डिसीज। जब वायरल डिसीज की बात करते हैं बेटा तो पॉइंट को आप समझिए कि वायरल डिसीज में आपका हम लोग बात करते, देखो हेपेटाइटिस भी एक वायरस के द्वारा होने वाला एक डिसीज है, जिसमें आपका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, देन डी, ई, है ना, तो ये लगभग 5 टाइप्स के हम लोग बात कर सकते हैं, जो जनरली आपके सिलेबस में हम लोग पढ़ सकते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक जो हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। और ये जो हेपेटाइटिस बी जो वायरस बेटा आपका होता है, ये कहीं ना कहीं इसमें डीएनए वायरस होता है। मैं आपको बता दूं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, देन हेपेटाइटिस बी, इन तीनों के अंदर जो बेटा न्यूक्लिक एसिड होता है या जो वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस कहाँ कहाँ मिलता है, डीएनए वायरस बेटा आपका मिलता है स्मॉल पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स, देन चिकन पॉक्स, ये पूछा जाता है, और आपका जो मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इसमें बेटा डीएनए वायरस मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे मैंने कहा हेपेटाइटिस बी वायरस जो आपका होता है, तो आगे इसके सिम्टम क्या है, जॉइंडिस, ये कंडीशन क्या थी बेटा, हम लोग जॉइंडिस की बात करते हैं, पॉइंट समझ लीजिएगा, जॉइंडिस, सिरोसिस कंडीशन, सिरोसिस जानते हैं बेटा लीवर जब खराब आ जाता है, लीवर की एक फाइनल स्टेज सिरोसिस है, और लीवर फेलियर, लीवर फेल हो जाता है, और इंडाइजेशन एंड बेटा एब्डोमिनल पेन की कंडीशन देखने को मिलती है, नोजिया,
जी बितलाना, वॉमिटिंग आना, ये सारे इसके सिम्टम है। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की जो ये बनाई गई है बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन द्वारा, आरडीएनए वर्ड यूज करते हैं, बायोटेक में ये वर्ड पड़ेंगे, आरडीएनए वैक्सीन भी बात कर सकते हैं। तो आगे बेटा इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब डिसीज आता है एचआईवी, ये तो बहुत कॉमन है बेटा। एचआईवी डिसीज की जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग एक जिक्र चला जाता है एड्स के ऊपर, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एचआईवी जो आपका वायरस है बेटा, ये पॉइंट समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लोगों का मिथ है कि बेटा बहुत सारी ऐसी डिसीज हुई है जो सोशल, जिन पर स्टिग्मा है, और इसीलिए आपको पता है जब एड्स रोग की बात करते तो बेटा एक बहुत पहले, काफी टाइम पहले एक ट्रेन भी चलाई गई थी जिसे हम लोग रेड रिबन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ताकि ये लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बताएंगे, बट आप यहाँ जो आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए मोर देन इनफ है। देखिएगा बेटा एचआईवी की बात करेंगे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, बेटा इम्यूनो डिफिशियंसी वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ, वर्ड जो हमने लिखा है इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो का मीन्स क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, ये इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा और इम्यून सिस्टम को डिफिशियंस कर देगा। और ह्यूमन पॉइंट समझिए, जब मानव के इम्यून सिस्टम पर कोई अगर आपका वायरस अटैक करता है और प्रत्यक्ष तंत्री खत्म हो जाता है तो उसकी डेथ ही हो जाएगी। आगे देखो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये अफेक्ट करता है बेटा इम्यून सिस्टम को, सीएस लिखा है, और इम्यून सिस्टम में जिस पार्ट को, जिस सेल्स को करता है, हेल्पर टी सेल की बात करते हैं, और ये लीड टू एड्स, फाइनली एड्स को लीड करता है। और डायग्नोसिस की जब भी बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा आता है, कि इंपॉर्टेंट वर्ड ये आता बेटा कि जो अगर बात करते हैं एचआईवी या एड्स की बात करेंगे तो इसके लिए बेटा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो तो आपका एलिजा कराया जाता है, एलिजा, और जब कंफर्मिंग टेस्ट की बात आती है तो वहां पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग को अलाउ किया जाता है। अब यहाँ कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसका पूछा जाएगा मैं आपको बता दूंगा, हालांकि एस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट सभी होते हैं बेटा, जब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग या आप पढ़ेंगे, हालांकि उसका जो आपका लेवल है आपके लिए सफिशियंट है, वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिए बेटा, जो ये वर्ड लिखा हुआ है एलिजा, एलिजा का बेटा पूरा नाम लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका पूरा नाम पूछा जाता है। एलिजा का पूरा नाम होता है बेटा, यहाँ हमने लिख दिया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एलिजा का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे। तो आगे बेटा इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब लिखा बेटा जेनाइटल वॉर्ड्स, जेनाइटल वॉर्ड्स की बात करते हैं तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, देखा जेनाइटल वॉर्ड के जो कॉजेटिव एजेंट का नाम है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, या इसको एचपीवी वायरस के नाम से भी जानते हैं। सिम्टम की बात करेंगे तो आउटग्रोथ, हम लोग बेटा आउटग्रोथ की बात करते हैं, आउटग्रोथ वॉर्ड्स इन जेनाइटल एंड पेनिस इन मेल एंड फीमेल में वल्वा रीजन में देखने को मिलते हैं। तो मेल एंड फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन पर जो आउटग्रोथ मिलती है, या बेटा हम बात करते हैं इसके बारे में कि फीमेल में आपका बल्बा वेजाइना, या हम लोग उसको कंप्लीट पार्ट को हम लोग लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, टोटली पार्ट को उसको हम लोग बल्बा कह देते हैं, और बल्बा को हम पुडेंडम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आगे वर्ड यूज करेंगे बेटा कि कैन कॉज बाई कैंसर बाई रिप्रोडक्टिव ट्रैक, पॉइंट समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ओनली एकमात्र कैसा एसटीडी है जो फीमेल के सर्विक्स में कैंसर भी कर सकता है। अगर आप कहा जाए तो फीमेल की बॉडी की बात करते हैं तो सबसे मोर कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, और अगर रिप्रोडक्टिव कैंसर की बात करते हैं तो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स कैंसर की बात करेंगे तो ये आपका कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स कैंसर भी कॉज करता है। आगे देखेंगे ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट देखो बेटा बहुत कॉमन है, या तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्रायोथेरेपी, या फिर क्रायोथेरेपी करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन, आप जानते हैं बेटा नाइट्रोजन, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी, देन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोडोफाइलिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोडोफाइलिन। और पोडोफाइलिन जो एप्लीकेशन होता है, इससे जो केमिकल बेटा ऑब्टेंड किया जाता है, जिस प्लांट की रूट से जो केमिकल निकाला जाता है उस केमिकल से हम लोग क्या करते हैं पोडोफाइलिन एप्लीकेशन,
तो पोडोफाइलेन जो केमिकल है बेटा, ये एप्पल प्लांट की रूट से निकाला जाता है। इन चीजों को आप समझिएगा, इतना डिटेल बेटा कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आपसे हमारी ये एक कमिटमेंट भी है कि हम आपके लिए लगातार हर दिन इतनी मेहनत जबरदस्त तरीके से करते रहेंगे, बट आप कहीं ना कहीं इन चीजों को देखिएगा। आगे बेटा लिखा हुआ है जेनाइटल हर्पीज, तो जेनाइटल हर्पीज की बात करते हैं। तो जेनाइटल हर्पीज बेटा, ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, सेकेंड पॉइंट समझिएगा, मैंने ये कहा हर्पीज की बात करते हैं। तो हर्पीज टू टाइप्स की होती है, एक बेटा ओरल जो माउथ के चारों तरफ होती है उसको ओरल हर्पीज कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव एरिया में तो उसे जेनाइटल कहते हैं। तो जेनाइटल जो हर्पीज होती है बेटा, ये यहाँ लिखा हुआ है कि जेनाइटल हर्पीज है, तो इसका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड, और ये आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट। तो जो आपका जेनाइटल हर्पीज आपका होता है, ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड के द्वारा जेनाइटल होता है। सिम्टम बेटा, सिम्टम क्या होते हैं वो देखेंगे बेटा। पस्टुलर पेनफुल अल्सर हो जाते हैं, जेनाइटल ईचिंग होती है या फिर बर्निंग भी हो सकती है। और ओरल हर्पीज की बात करते हैं, तो माउथ के चारों तरफ बेटा वर्ड जो लिखा हुआ है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट। तो इन चीजों को आपको समझना है। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा इससे पहले, ठीक है, हाँ पॉइंट समझ लीजिएगा। एक पॉइंट है बेटा, जैसे कि मैंने ये कहा, चलो मैं यहीं देख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। एक डिसीज का नाम है HIV और एक है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी। और एक बात करते बेटा जिससे हम लोगों ने वर्ड यूज किया था हर्पीज, ये तीन ऐसे डिसीज है बेटा, ये जो तीन डिसीज के बारे में बात करते हैं, ये तीन ऐसे डिसीज है बेटा, ये आपके इनक्योरेबल है, इनक्योरेबल, जिनका कोई क्योर नहीं है। कुछ टाइम के लिए हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, बट ये डिसीज कैसे है, इनक्योरेबल। आगे बेटा इसके बाद मैंने आपको ये चीजें बताई, अब हम लास्ट डिसीज का नाम है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले डिसीज। आपने बैक्टीरिया के डिसीज देखे कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले STD, वायरस के द्वारा होने वाले STD, अब हम लोग देखेंगे बेटा कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले डिसीज कौन सा है। तो ओनली एक मार डिसीज आपके NCERT में गिवन है, इसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस बेटा जो आपका डिसीज होता है, ये जिस प्रोटोजोआ द्वारा होता है उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। सिम्टम क्या होता है, इफ वेजाइनल एसिडिटी, बेटा वेजाइना की बात करते हैं, फीमेल की वेजाइना में जो फीमेल की वेजाइना में एसिड की बात करते हैं, उसके pH को डिस्टर्ब कर देता है। और pH को डिस्टर्ब करने के बाद क्या करता है बेटा, ये येलो और ग्रीनिश डिस्चार्ज और फॉल और फिसी जैसी स्मेल और ईचिंग इत्यादि, ये सारे करेक्टर देखने को मिलते हैं। और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मेट्रोनिडाजॉल ये मेडिसिन इसमें यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमने इन चीज़ों को आपको बताया। अब लास्ट पॉइंट आप देखते हैं, प्रिवेंशन की बात करेंगे कि क्या क्या इसके प्रिवेंशन है। बेटा जब भी हम किसी डिसीज के बारे में पढ़ते हैं तो डिसीज क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन क्या है ना, और हम बात करेंगे कि उसका प्रिवेंशन क्या है, अगर कोई प्रिवेंशन है तो प्रिवेंशन ही बताएंगे। तो अवॉइड सेक्स विद द अननोन या मल्टीपल पार्टनर, भाई अननोन पार्टनर के थ्रू आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं होना है या मल्टीपल पार्टनर के थ्रू नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो ज्यादातर जो STD जो डिसीज होते हैं, ये जो ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं उनमें ये देखे जाते हैं। और हम इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम कंडोम का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द सेक्स एंड बेटा कॉन्टैक्ट डॉक्टर एंड बेटा क्या लिखा, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट। डॉक्टर को कहीं ना कहीं आप अगर जानकारी नहीं दे सकते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट भी नहीं आप ले सकते। तो गोनेरिया, अब बेटा दो डिसीज में आपको बता दूं, पॉइंट समझिएगा, नोट में क्या लिखा है, गोनेरिया को हम लोग बेटा गोनेरिया को हम लोग बेटा क्लैप डिसीज के नाम से जानते हैं और इसको ड्रिप डिसीज भी कहते हैं। और नोट आपका लिखा हुआ है, नोट समझेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बेटा 11 जुलाई को मनाया जाता है और 1997 में 5 बिलियन बेबी जब बॉर्न हुई थी उसी टाइम से बेटा ये हम लोग जो है ना जो वर्ड लिखा हुआ है 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और लास्ट पॉइंट लिखा है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1948। तो इन चीजों को बेटा हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से ठीक है बेटा, तो ये देख रहे हैं ना आप लोग बेटा, ऐसा सब कुछ किया जाता है आपके लिए किया जाता है। और आपसे कहीं ना कहीं बेटा मैं स्टार्टिंग से लगा के दी एंड तक, मेरा चाहे वो ऑफलाइन बैचेस हो या वो ऑनलाइन में भी आपके लिए अब हर दिन रूबरू होते हैं। और ऐसा कोई भी दिन नहीं बेटा जिस दिन आपको कोई ना कोई हमारे YouTube चैनल पर आपको वीडियो ना प्रोवाइड की जाए,
तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाएगा और पढ़ाते रहेंगे, वो सिर्फ आपके मोटिवेशनल से ही पढ़ाते हैं। और हम आपके लिए जो मेहनत कर पा रहे हैं वो सब कुछ आप फ्रंट ऑफ व्यू में आप लोग हैं, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और कंटेंट को भी बताएं आप कि कंटेंट इतना अच्छा मिल रहा है, कम टाइम में बेटर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, ये कंटेंट यदि आपको इसको आप PDF के रूप में अगर आपको चाहिए, कैसे भी आपको अगर इसका इस्तेमाल आप करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो बहुत सारी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगी, चाहे वो टेलीग्राम की लिंक हो या फिर आपका अदर वीडियोस की लिंक्स हो, तमाम आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा।